16.8 ईंधन का दहन, कंबशन ऑफ फ्यूल। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तु का जलना दहन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोयले के दहन की प्रक्रिया में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। C+O2 is equal to CO2 gas plus ऊष्मा। यदि कोयले का दहन ऑक्सीजन की आंशिक मात्रा में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। C+ ½O2 is equal to CO gas plus ऊष्मा। कोयले के दहन के पश्चात बचे अवशेष को राख कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और राख बनती है, जिनकी अधिक मात्रा पर्यावरण को प्रदूषित करती है।